तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है नेटवर्क अडॉप्टर वाईफाई को लेके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले आपने विंडो के बटन पर राइट क्लिक करना है और रन कमांड में टाइप करना है कंट्रोल पैनल और ओके पर प्रेस कर देना है। तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी कंट्रोल पैनल की। तो आपने यहाँ पर इसको लार्ज आइकन में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो हमारे पास इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा तो हमने क्या करना है, हमारी लेफ्ट साइड पर फाइंड आउट करना है चेंज अडॉप्टर, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो हमारे पास जितने भी इसके अडॉप्टर हैं वो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इथरनेट है हमारे पास और वाईफाई है, वाईफाई 2 है, यानी कि हमारे पास इथरनेट 2 भी है। तो इसमें हमने सिंपल इसको क्या करना है, जो हमारे इथरनेट हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, इथरनेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको डिसेबल कर देंगे। एक मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। तो आपके जहन में ये बात रहे कि आपने इसको एक मिनट डिसेबल करके रखना है, तभी ये टोटली रीसेट होगा। तो इसी तरह अब मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वाईफाई 2 यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद इसको हम डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद देखें हमारा जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि डिसेबल हो गया है। तो एक मिनट के बाद हम इसको इनेबल कर देंगे। जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे तो हमारा जो वाईफाई अडॉप्टर है, रूटर है या इथरनेट है, ये रीसेट हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम क्लोज़ करेंगे विंडो को। क्लोज़ करने के बाद हम एक और स्टेप है, माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, या आप डिवाइस मैनेजर में डायरेक्ट भी आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास विंडो का वर्जन जो है वो डिफरेंट है तो आपको डिवाइस मैनेजर थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें हमारी राइट साइड पे तो हमारे पास डिवाइस मैनेजर की ऑप्शन है रिलेटेड सेटिंग के नीचे। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा तो यहाँ पर जितने भी चिपसेट हैं उनकी डिटेल है। तो हम इसमें नेटवर्क अडॉप्टर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास रूटर की कुछ सेटिंग है, यानी कि रूटर के ड्राइवर हैं या सॉफ्टवेयर है, इसकी इंस्टॉलेशन है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम अपडेट कर लेंगे। सिंपल जैसे मैंने आपको करके दिखाया, आप भी इसी तरह इसके ऊपर राइट क्लिक करें और अपडेट पर क्लिक करें और ऑटोमेटिक अपडेट के ऊपर क्लिक करें, तो इसका ड्राइवर अपडेट हो जाएगा और आपका जो भी इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी पहले से। तो ये चंद सेटिंग है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा।